हेलो हाय नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी शगुन। और बताओ कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, आई एम बैक अगेन विथ अ न्यू वीडियो विथ टू न्यू रेसिपीज। और आज ना मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी एंड क्विक स्नैक आइडियाज शेयर करने वाली हूँ, स्पेशली जो शाम को मैं वो तेज़ वाली भूख लगती है ना उसके लिए। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो दी फर्स्ट रेसिपी इज लेज ब्रेड स्टिक्स। नाउ आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि व्हाट्स योर फेवरेट फ्लेवर ऑफ लेज। ऑल्सो ये वाली रेसिपी ना बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप लोग इसे आराम से कभी भी बना सकते हो, बहुत जल्दी बन जाता है। अगर अचानक आपके घर पर कोई गेस्ट आ जाए ना तो आप उनके लिए भी ये बना सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, उन्हें बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये इतने ज़्यादा यमी एंड क्रिस्पी बनते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। एनी वेज, बहुत बातें हो गई, चलो इसकी रेसिपी। ओके गाइस, सो क्रिस्पी लेस ब्रेड स्टिक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले हम बनाएंगे इसका बैटर। तो लेना है एक बोल, उसमें डालो थोड़ा सा मैदा, देन इसमें डालो थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक। देन इसमें पानी डालना है और इसे हमें अच्छे से मिला लेना है, ठीक है। और इसका बैटर हो गया रेडी। देन बस हम लेंगे अपना ब्रेड और उसके जो साइड वाले पार्ट होते हैं ना वो निकाल देंगे। नाउ इसके साइड वाले पार्ट का क्या करना है, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाकर देख लो। एनीवेज, इस रेसिपी पे वापस आते हैं। हाँ जी, तो ना इसके साइड वाले पार्ट हटाने के बाद इसे हमें कट कर लेना है। मैं यहाँ पर एक ब्रेड के 3 पीस कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ना क्या करना है, हमें लेना है लेस। मैंने यहाँ पर ब्लू वाला लेस लिया है क्योंकि दिस इज़ माई फेवरेट फ्लेवर। और इसे एक प्लेट पर निकाल कर, चाहो तो आप इसे हाथ से ही क्रश कर सकते हो या फिर इसे ना मिक्सर जार में डाल के इसे 2-3 मिनट तक मिक्सी में क्रश कर दो, ठीक है। एनीवेज, फिर ना अपने बस ब्रेड के पीसेस लेने हैं एंड उसे मैदा वाले बैटर में अच्छे से हमें डिप कर देना है। देन इसकी दोबारा से कोटिंग करेंगे हम लेस के साथ जो हमने अपने क्रश करके लेस को रखा हुआ था। बस फिर लेना है गर्मा गर्म तेल और उसमें अपने ये वाले स्टिक डालकर हम इसे कर लेंगे डीप फ्राई, जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और हाँ, इसकी कोटिंग करके ना आप इसे 10 से 15 मिनट तक ज़रूर छोड़ देना, उससे ना इसमें जो हमने कोटिंग की होती है ना वो अच्छे से सेट हो जाता है, फिर वो कढ़ाई में ऐसे डालकर ना वो ऐसे फैलता नहीं है, ठीक है। एनीवेज, जब ना ये अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए तो इसे निकाल दो। एंड पता है मेरे पास ना ही उस टाइम पर सॉस था और ना ही कोई भी केचप वगैरह था, सारे सॉसेस ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने बस इस पर ऊपर से डाला है थोड़ा सा ओरिगैनो और इसे सर्व कर दिया है। एंड गाइस, इसका टेस्ट मैं नहीं बता सकती आपको, इतना ज़्यादा क्रिस्पी एंड इतना ज़्यादा यमी था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सच में अगर मैं इसकी आवाज़ आपको सुना पाती ना तो आपको ज़रूर मैं सुनाती। एनीवेज, ये बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। अगर आपको ना ऐसे ब्रेड पकौड़ा वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं ना तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। एंड हाँ, वापस आकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसका टेस्ट अच्छा लगा या फिर नहीं। मुझे तो इसका टेस्ट बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एनीवेज, आज की दूसरी रेसिपी है चीज़ बेसन टोस्ट। आई नो ये बहुत ही ऐसे बेसिक टाइप की रेसिपी है, पर ट्रस्ट मी गाइस, ये ना बहुत ज़्यादा मस्त बनते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने इसे अभी तक ट्राई नहीं किया ना तो इसकी रेसिपी देखो और एक बार जाकर ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। ओके, सो चीज़ गार्लिक बेसन टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले ना हम इसका बैटर बनाएंगे, ठीक है। तो लेना है आपको एक बोल और उसमें ऐड करो 1/2 कप ऑफ बेसन। देन इसमें हम डालेंगे फाइनली चॉप गार्लिक यानी कि लहसुन। देन हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा हरा धनिया एंड सम ओरिगैनो, क्योंकि हम इसमें चीज़ डालने वाले हैं तो उसके साथ ओरिगैनो का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। देन हम इसमें डालेंगे पानी और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसका बैटर बना लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद ना हम लेंगे दो ब्रेड और एक ब्रेड पे हमें डालनी है चीज़ स्लाइस। आप इसके जगह मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको मिल जाए, ठीक है। देन मैंने इस पे भी डाला है थोड़ा सा ओरिगेनो एंड रेड चिली फ्लेक्स, क्योंकि चीज़ अंदर से फिर ऐसे ब्लांड सा टेस्ट करेगा इसीलिए, ठीक है। एनीवेज फिर ना मैंने दूसरे ब्रेड से इसे अच्छे से कवर कर दिया है और इसे मैंने टू पार्ट्स में कट कर दिया है ताकि इसे बनाने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। उसके बाद लेना है एक पैन, उस पर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है एंड अपने ब्रेड के पीसेस को इसी बेसन के बैटर में हम डिप कर देंगे और इसे हम अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड से, जब तक ना ये एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाते, ठीक है। उसके बाद जब आपका चीज़ अच्छे से ना मेल्ट हो जाए तब हम इसे एक प्लेट पर निकाल देंगे एंड मैंने इसे गार्निश किया है विथ सम टमेटो केचप और थोड़ी सी मेयोनीज़ के साथ। और हाँ, बस आप इसे ना इन्जॉय करो गर्मा गर्म चाय के साथ, इसका टेस्ट वॉज रियली गुड गाइस। अगर आपको ना गार्लिक ब्रेड अच्छा लगता है तो आपको ऑफ कोर्स ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही था एंड ना बेसन के साथ इसका टेस्ट और भी ज़्यादा ना इन्हेंस हो गया था। अगर आपको ऐसे गार्लिक ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो आपको ये वाली रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। एंड हाँ, अगर आप लोग इसे ट्राई करने वाले हो तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, अच्छा लगा भी या फिर नहीं, ठीक है। एंड दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।